यूपी को लेकर प्रियंका गांधी ने लिया बड़ा फैसला, छोड़ दी प्रदेश प्रभारी की कुर्सी, अब संभालेंगी नई जिम्मेदारी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बन सकते हैं प्रदेश प्रभारी। प्रियंका लोकसभा चुनाव लड़ने की कर रही तैयारी। खड़ा हुआ बड़ा सवाल, यूपी में किस सीट से चुनावी ताल ठोकेंगी प्रियंका? अखिलेश जयंत करेंगे समर्थन। यूपी में कांग्रेस अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही है, इसके बावजूद अब प्रियंका गांधी ने यूपी प्रभारी की कुर्सी छोड़ दी है। कांग्रेस के सूत्र बताते हैं कि प्रियंका अब उत्तर प्रदेश के प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी नहीं संभालेंगी। फिलहाल प्रियंका गांधी पर उत्तर भारत के राज्यों में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी है। तो वहीं गांधी परिवार की पारिवारिक सीट माने जाने वाली अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी भी आन पड़ी है। कांग्रेस में चर्चाओं का दौर यहाँ तक है कि नए प्रभारी के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष को बदलने के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की तैयारी भी कर ली गई है। नए प्रदेश प्रभारी के तौर पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का नाम चर्चाओं में है। पिछले लंबे वक्त से यूपी में कांग्रेस को मजबूत करने की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी के कंधों पर थी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे के सामने सबसे बड़ी चुनौती भी यही है। सबसे ज्यादा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश में नए प्रभारी की खोज करना एक बड़ी चुनौती है। यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के पास ज्यादा दमखम है नहीं, और प्रियंका गांधी के बराबर के चेहरे को प्रभारी के रूप में लाना एक बड़ी चुनौती बन गई है। फिलहाल इसी महीने यूपी का नया प्रभारी नियुक्त हो सकता है। नए प्रदेश प्रभारी के तौर पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता तारिक अनवर के नाम चर्चाओं में हैं। सूत्रों का मानना है कि केंद्रीय संगठन कुछ अन्य नामों पर भी चर्चा कर रहा है। प्रियंका गांधी ने यूपी के प्रभारी के तौर पर अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी है। कहा जा रहा है कि प्रियंका अमेठिया रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी उम्र अधिक हो जाने की वजह से अपना चुनावी क्षेत्र छोड़ सकती हैं। अगर राहुल गांधी की सदस्यता एक बार वापस लौटती है तो राहुल गांधी भी रायबरेली से चुनाव लड़ सकते हैं, और अगर राहुल को राहत नहीं मिलेगी तो प्रियंका गांधी ही रायबरेली से उम्मीदवार होंगी। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि हम अमेठी और रायबरेली दोनों सीटों पर जोरदार तैयारियां कर रहे हैं। इस बार उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर केंद्र की सत्ता से मोदी को हटाना है। मौजूदा वक्त में ब्रजलाल खाबरी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। कांग्रेस के सूत्र बताते हैं कि ब्रजलाल खाबरी यूपी की लोकसभा सीटों को लेकर तैयारियों में वो तेजी नहीं ला पा रहे जैसा आलाकमान चाहती थी। फिलहाल केंद्रीय नेतृत्व उत्तर प्रदेश में सलमान खुर्शीद और प्रमोद तिवारी जैसे किसी बड़े चेहरे को लाना चाहती है। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी पिछले 3 दिनों से दिल्ली में हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वेणुगोपाल व अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। दूसरी तरफ संकेत ये भी है कि खाबरी प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बने रहेंगे, लेकिन जल्द ही नई प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।